गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर हम लोग एग्जाम स्पेशल यानी एग्जाम से महत्वपूर्ण पॉइंट को जो डिस्कस कर रहे हैं उसको इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इस भाग में हम लोग रेनेसा यानी पुनर्जागरण से संबंधित जितने भी संस्थाएं इस क्षेत्र में समाज सुधार के क्षेत्र में समाज और धर्म यानी धर्म और समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य की उन संस्थाओं को हम लोग देख लेते हैं, उनकी स्थापना, संस्थापक सदस्य और कहां पर उनकी स्थापना हुई, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। तो यह हम लोग पहला 19वीं शताब्दी में आप लोग जो इंडियन रेनेसा यानी भारतीय पुनर्जागरण पढ़ते हैं या यहाँ से प्रश्न आता है उसमें पहली संस्था ब्रह्म समाज है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई और कलकत्ता में इस संस्था की स्थापना की गई और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा आप लोग कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में कलकत्ता में। ओके, और इस ब्रह्म समाज के स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना अथवा रूढ़ियों और कर्मकांडों को दूर करना और समाज को नवीन, आधुनिक और सरल बनाना। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग इसी ब्रह्म समाज के द्वारा समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इसके अलावा शिक्षा पर विशेष बल दिया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। यह सब राजा राम मोहन राय ने समाज के सुधार के लिए इस संस्था की स्थापना की और इस संस्था के माध्यम से जो सबसे बड़ा काम हुआ वह सती प्रथा को हमेशा के लिए भारतीय समाज से समाप्त किया गया और राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में कानून बना करके ब्रिटिश सरकार के सहयोग से कानून बना करके इसे हत्या के रूप में देखा गया या इसे सदोष मानव वध के समान माना गया और इसे समाज से हमेशा के लिए समाप्त किया गया। और राजा राम मोहन राय को ध्यान रखिएगा आप लोग, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई और जब सती प्रथा का मुकदमा राधा कांत देव जो सती प्रथा के समर्थक थे वह यह मुकदमा लेकर के बंगाल या कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी, ध्यान रखिएगा एग्जाम में आता है, वहां पर गए और वाद दायर किए या मुकदमा दायर किए सती प्रथा के समर्थन में, लेकिन वह मुकदमा हार गए। इसके बाद फिर यह मुकदमा लेकर के ब्रिटेन गए, लंदन प्रिवी काउंसिल में लेकर के यह मुकदमा गए। तो इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए राजा राम मोहन राय गए और इसमें सहायता मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने किया, इसी समय इनको राजा की उपाधि प्रदान किया था, ध्यान रखिएगा। और यह ब्रिटेन गए, हालांकि सती प्रथा से संबंधित मुकदमा तो जीत लिए लेकिन फिर लंदन से वापस नहीं आ पाए क्योंकि 1833 ईस्वी में इनकी वहीं पर ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई, ध्यान रखिएगा, और वहीं पर इनको दफना दिया गया। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपसे पूछता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई, तो ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में, स्थान ब्रिस्टल में, वहीं पर इन्हें दफना दिया गया। ओके, फिर राजा राम मोहन राय के पश्चात द्वारकानाथ टैगोर, इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। फिर आगे चल करके केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज में इंक्लूड हो गए या शामिल हो गए, लेकिन केशव चंद्र सेन से वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण फिर आगे चल करके ब्रह्म समाज की स्थापना कर लिए। कौन कर लिए? केशव चंद्र सेन। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, स्थान कलकत्ता और स्थापना 1865। कहीं कहीं आपको 66 मिलता है क्योंकि 1865 में 1865 में वैचारिक मतभेद हो गया और यह इन्होंने केशव चंद्र सेन अलग होकर के आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर लिए। ओके, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और केशव चंद्र सेन भी समाज में बाल विवाह का विरोध किए, ध्यान रखिएगा, स्त्री शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया, इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया। यह सब मतलब समाज सुधार के लिए
काकार केशव चंद्र सिंह ने भी किया, इनके प्रयासों से ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 में पास हुआ इनके प्रयासों से। और इस जो ब्रह्म मैरिज एक्ट था इसमें लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, ओके। लेकिन आगे चल करके 1878 में केशव चंद्र सेन ने ही अपने पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया और पुत्री की यानी इनके केशव चंद्र सेन के पुत्री की उम्र 13 वर्ष थी, इसलिए यह विवाद में आ गए। और यहाँ पर फिर एक बार आदि ब्रह्म समाज में या ब्रह्म समाज में वैचारिक मतभेद हो गया और पुनः यह केशव चंद्र सेन और अन्य समर्थकों में वैचारिक मतभेद हो गया और पुनः एक बार इसमें ब्रह्म समाज में यानी आदि ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और फिर इनके विरोधियों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली, ओके। और इसका भी स्थापना जो हुआ स्थान कलकत्ता में 1878 में, ध्यान रखिएगा 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और शिवनाथ शास्त्री आदि ने इस संस्था की स्थापना की, तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। तो यह है ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय से लेकर के या केशव चंद्र सेन और 1878 तक हम लोग आगे बढ़े। अब आइए अगली जो संस्था है वह है प्रार्थना समाज, ओके। प्रार्थना समाज क्योंकि आप लोगों को टू दी पॉइंट लेकर के चलना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी पर, इसलिए बहुत अधिक डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, टू दी पॉइंट ही आप लोगों को डिस्कस करा रहे हैं, ओके। तो आइए प्रार्थना समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1867 में हुई, कहां पर स्थान बंबई में हुई, ध्यान रखिएगा। और इसके सदस्य संस्थापक सदस्यों में महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और चंद्रावरकर आदि महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो ध्यान रखिएगा प्रार्थना समाज का भी उद्देश्य समाज में जो बुराइयां थी और धर्म में जो बुराइयां थी उसे दूर करने का इन लोगों ने प्रयास किया। और यह महाराष्ट्र के क्षेत्रों में था यानी पश्चिम भारत के क्षेत्रों में इस प्रार्थना समाज के माध्यम से समाज सुधार का कार्य किया गया, ओके। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, स्थान बंबई और इसके सदस्य महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और चंद्रावरकर आदि थे, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, 1875 में, स्थान बंबई यानी महाराष्ट्र और इसके संस्थापक सदस्यों में स्वामी दयानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था, जिसका प्रारंभिक नाम या मूल नाम मूल शंकर था, ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि मूल शंकर किसका नाम था, तो स्वामी दयानंद का, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इन्होंने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज के माध्यम से मूर्ति पूजा का विरोध किया, बलि प्रथा का विरोध किया और बहुदेववाद का विरोध किया, एकेश्वरवाद पर बल दिया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, समाज में ऊंच नीच छुआछूत की भावना का विरोध किया और समता मूलक समाज के स्थापना पर इन्होंने बल दिया। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वह स्टेटमेंट है वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो। इसका तात्पर्य यह है कि जो वेदों में जो समाज धर्म और समाज को सरल रूप में बताया गया है, उस वेद के में जो वर्णित धर्म और समाज का स्वरूप है उसको लाया जाए, उसको एडाप्ट किया जाए, पुनः उसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसमें जो वैदिक काल का धर्म और समाज था दोनों सरल था, उसमें किसी प्रकार की जटिलता नहीं थी। क्योंकि आप लोग ऋग्वेद में पढ़ेंगे तो उसमें वर्ण व्यवस्था भी है और कास्ट जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, छुआछूत का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, ओके। और धर्म भी सरल था, वहां पर मंत्रों के द्वारा ईश्वर की उपासना की जाती थी, वहां पर ना यज्ञवाद का प्रचलन था और ना ही बलि प्रथा का प्रचलन था। इस प्रकार इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आर्य समाज स्थापना 1875, स्थान बंबई और सदस्य स्वामी दयानंद सरस्वती, ओके। इनका प्रारंभिक नाम मूल शंकर था। आगे बढ़ते हम लोग, रामकृष्ण मिशन बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है समाज सेवा की, स्थापना 1896 में हुआ था
और कहां पर? कलकत्ता में, बेल्लूर में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में यानी बेलूर में और 1896-97 में, और इसके संस्थापक सदस्य स्वामी विवेकानंद थे, जिनका प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। और इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ने जो प्रयास किया था उस प्रयास को आगे बढ़ाया। रामकृष्ण परमहंस का मुख्य उद्देश्य था मानव सेवा, यानी समाज की सेवा, मानव सेवा पर इन्होंने विशेष बल दिया, जिसको आगे बढ़ाया स्वामी विवेकानंद ने। और इनके प्रयासों से रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और इस पर मानव सेवा पर विशेष बल दिया गया। तो यह महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। फिर जो शेष संस्थाएं हैं उनको हम लोग देख लेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, और हमारा चैनल एग्जाम 21 को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सारे महत्वपूर्ण जो लेक्चर है आप लोगों को तत्काल मिल जाए, कोई मिस ना हो, वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर कोई वीडियो नहीं मिल पाता है तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या कांटेक्ट नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है 7618025304। और ध्यान रखिएगा हमारे इस चैनल पर कम से कम 1000 से अधिक हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और फिर महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उससे एग्जाम के लिए बहुत ही, या एग्जाम के पर्पस से बहुत ही लाभप्रद है। ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।